अब हम इस सूट की कटिंग तो कर रखी है, लेकिन आपको कुछ बताना है। 36.5 इंच सीना, 33 इंच कमर, 15 इंच बाजू है और 10 इंच बाजू की मोरी, 9 इंच मोड़ा है, 6 इंच गला है चौड़ा और 6 इंच लंबा है, 5.5 इंच बेक है, 15 इंच पे चाक है। तो हमने इसका तीरा काटा है 12 इंच और 1/2 इंच ये यहाँ से एक्स्ट्रा जो बेक होता है, जो सूट होता है वो बेक नहीं जाता। ये कहते हैं कि हमारा जो ये गला है बेक में जाता है, तो वैसे नहीं जाएगा, ये 1/2 इंच का दबाव देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हमने 36.5 इंच सीना है, तो यहाँ से हमने रखा है 1/4 इंच 3 इंच का दबाव देकर, और कमर है इसकी 33 इंच, तो यहाँ से हमने 33 और 2 इंच प्लस करके लगाया है 35 इंच, यानी कि 17.5 इंच। और यहाँ से हिप का निशान हमने लगाया है 21.5 इंच, जो कि हिप इसकी है 37 इंच है, तो हमने इसमें 4 इंच मिलाए हैं, 37 × 4 = 41, तो यहाँ से हमने रखा है 10.5। और ये घेर है इसका 22 इंच, तो ये हमने यहाँ से लगाए हैं निशान 11 इंच पे, और ये 2 इंच का दबाव रखा है। और ये प्लेटों का निशान है जो हमने लगाया है 10.5 इंच पे, वैसे तो 10 इंच पे प्लेट है, लेकिन 1/2 इंच इसका दबाव का है, तो ये रह जाएगी 10 इंच पे तैयार। और ये बेक है, बेक हमने यहाँ से काटी है इसकी, जिसका गला छोटा होता है वो तो गुलाई थोड़ी सी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि फिर मोटे से खींचेगा नहीं कमीज। और जिसका गला बड़ा है तो उसकी लंबाई ये कटाई है जो कम करेंगे, यहाँ से कम करेंगे तो ये पीछे से भी यहाँ से ढलकेगा नहीं, मोटे से भी नहीं ढलकेगा।